फाइनली गाइस रॉयल एनफील्ड अपनी हिमालयन 450 को इंडियन मार्केट में बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये लॉन्च कब होगी और इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, इसके लुक्स क्या होने वाले हैं, इसके प्राइस क्या रहने वाले हैं और भी बहुत कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेके आपके लिए आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो दोस्तों फ्रंट प्रोफाइल लुक से बात करता हूँ, उसकी फ्रंट प्रोफाइल लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फ्रंट में आपको राउंड शेप की LED हेडलैम्प मिलने वाली है। जी हाँ, LED हेडलैम्प मिलने वाली है, वो भी रॉयल एनफील्ड की तरफ से। साथ ही साथ इसमें आपको LED टेल लाइट मिलने वाली है और इंडिकेटर भी आपको इसमें LED देखने को मिल सकते हैं, वो भी व्हाइट ग्लास LED इंडिकेटर आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। और सीट की बात करूँ तो इसमें आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और टेल लाइट की अपर साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ग्रैब ग्रिल यूनिक डिजाइन वाली मिल जाएगी जो कि पहले वाली हिमालयन से काफी ज्यादा अलग है। और साइड रैक्स आपको यहाँ पे अपग्रेड देखने को मिल जाएंगी, अपग्रेड डिजाइन वाली इसमें दी हुई है। और यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड फ्रंट में देखने को मिल जाएगी जो कि लुक्स को काफी ज्यादा 5 स्टार लगाती है। और इसमें आपको मीटर की बात करूँ तो राउंड शेप इंस्ट्रूमेंट कंसोल का मीटर मिल जाएगा जो कि फुल्ली डिजिटल मीटर होने वाला है। और साथ ही साथ इसमें आपके ऑल इन्फॉर्मेशन दे देगा ये मीटर। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे देगा वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी। तो इसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, RPM मीटर मिल जाएगा, गियर इन मीटर मिल जाएगा और ट्रिप मीटर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको मीटर पोजिशन जो इसकी है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अगर राइडर इसे स्टैंड करके चलाएगा या फिर सिट होकर चलाएगा यानी बैठ कर चलाएगा तब भी ये मीटर काफ़ी ज़्यादा आसानी से राइडर देख सकता है। और इंजन की बात करूँ तो इसमें आपको न्यू इंजन देखने को मिल जाएगा, 450cc का फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल्ड इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको अपग्रेड E20 OBD2 वाला BS7 वाला इंजन देखने को मिलने वाला है। और इसमें आपको मैक्स पावर मिलने वाली है 14 BHP की और 6 स्पीड गियर इसमें आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ इसमें आपको डुअल चैनल ABS भी देखने को मिल जाएगा। और इसमें हो सकता है आपको ABS स्विचेबल देखने को मिल जाए, यानी ABS का आपको स्विच भी देखने को मिल जाए, चाहे आप उसे ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ करके ABS को ऑन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको सस्पेंशन मिल जाएगा, फ्रंट में USD फॉक्स मिल जाएंगे। और रियर की अगर मैं बात करूँ तो रियर में आपको देखने को मिल जाएंगे मोनोशॉक। और दोस्तों व्हील साइज़ की बात करूँ तो फ्रंट में आपको 21 इंचेस का व्हील साइज़ देखने को मिल जाएगा और रियर की बात करूँ 17 इंचेस का व्हील साइज़ देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको दोनों ही ट्यूबलेस टायर मिलने वाले हैं, फ्रंट भी आपको ट्यूबलेस मिल जाएगा, रियर भी मिल जाएगा। और इसमें आपको स्पोक व्हील का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। और इसमें आपको डिस्क साइज़ की बात करूँ तो इसका फ्रंट डिस्क साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से बिग कर दिया गया है। और इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस जो रहने वाली है वो भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो इसकी प्राइस जो रहने वाली है वो है 2,80,000, यानी 2,80,000 के आसपास इसकी एक्स शोरूम प्राइस रहने वाली है जब भी लॉन्च होगी। तो ये लॉन्च कब होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस साल की लास्ट में ये लॉन्च हो जाएगी और अगर इस साल की लास्ट में ये लॉन्च नहीं होती है तो अगले साल की स्टार्टिंग में ये लॉन्च होने की पूरी पूरी उम्मीद है। दोस्तों मेरे पास अभी तक जितनी भी डिटेल थी मैंने इसकी सारी आपको बता दी है। और ये बाइक जब भी लॉन्च होगी मैं इसकी एक पूरी वीडियो डालूंगा डिटेल में कि इसमें आपको क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं, क्या क्या अपग्रेड फीचर्स मिलने वाले हैं। और दोस्तों ये बाइक बीट करने के लिए आ रही है KTM 390 एडवेंचर को, हार्ले डेविडसन X440 को, ट्रम स्पीड 400 को, KTM ड्यूक 250 को, सुजुकी वी स्ट्रॉम को। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि ये बाइक इन बाइक्स को बीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों ये बाइक एक कंप्लीट ऑफ रोड पैकेज होने वाली है और किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखने वाली है यहाँ पे रॉयल एनफील्ड। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर जाना। तो हम ऐसी वीडियो लेके आपके लिए आते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करके जाना। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।